दिवस थी डीजल भाव में सतत वधारो थई रह्यो छे। डीजल भाव वधता ट्रांसपोर्टेशन उद्योग पर असर जोवा मळी छे। एक तरफ डीजल भाव वध्या छे तो बीजी तरफ ट्रांसपोर्ट कंपनीओए भाड़ा में वधारो कर्यो छे। ट्रांसपोर्टर द्वारा सरेराश 20% भाड़ा वधाराया छे। ट्रांसपोर्ट कंपनीओए भाड़ा में वधारो करता वेपारी में पण रोष जोवा मळ्यो छे। तो कोरोना कहेरना कारण हजु सुधी बराबर वेपार शुरू थयो नथी। डीजल भाव दररोज वधे छे पण वेपारी द्वारा फिक्स भाड़ आपवामां आवे छे। जारे स्थानिक टेम्पो चालकोनी हालत वधु कफोड़ी बनी छे। पेट्रोल अने डीजलना भाव सतत वधी रह्या छे, एमाय डीजलना भाव वधता ट्रांसपोर्ट उद्योगने तेनो सौथी वधारे फटको पड्यो छे। सूरतना ट्रांसपोर्ट उद्योगनी वात करीए तो सरेराश 11 रुपया जेटलो जे डीजलना भाव वधारो थयो छे तेने लईने ट्रांसपोर्टेशनना चार्जमां ओछामां ओछो 20% जेटलो वधारो थयो छे। परंतु लॉकडाउन पछी हजी मार्केट खुल्या नथी, ट्रांसपोर्ट उद्योग हजी पुनः पाटे चढ़ो नहीं, ये पेला ज आ वधारो आवता अनेक मुश्किलों ऊभी थी है। त्यारे अत्यारे अपनी साथे सूरतना जे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है एना प्रमुख युवराज भाई देशले है, एमनी साथे बात करिए शू परिस्थिति है। युवराज भाई शू परिस्थिति है अत्यारे? डीजलना भाव वध्या, धंधो हजी शुरू नहीं थयो, केवी परिस्थिति? जो मित्रों के आज लगभग कोरोना ने त्रीजो महीनो चालू है, मतलब कोरोना की जो महामारी चले है एना टोटली धंधा 2 महीना थी बंद था। मांड मांड हमना कंक मतलब अन्न लॉकडाउन जरा खुल्यू है, ढील आपी है, एना थोड़ो घो जो 10-15-20% मतलब धंधो चालवा शक्यता आई। एम केन्द्र सरकार तरफ थी मतलब कंटीन्यू मतलब 20 दिवस सुधी जो डीजल भाव वधारो है खूब चिंताजनक है। अमरा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज मे आ कैंसर रूप सामन है। मतलब में हवे सरकार ने अमे घनी वक्त भी अमारी हड़ताल थी थी ऑल इंडिया मोटर लेवल पर दिल्ली पर, त्यारे भी अमे सरकार ने कीधु कि रेट जे छे स्टेबल होवा जोईए। सीधो सीधो गणित है, मतलब में तमे कोई साथे रोजे रोज मतलब में भाव वधारो करी सकता नहीं। मतलब फेक्टरीओ हो कि अहीं परचूरण जे व्यापारी हो एनी साथे तमे रोजे रोज कोई ने मतलब में तमे भाड़ो कि आज 10 रुपया वधी गया, परम दिवसे 20 रुपया वधी गया, एवं तमे करी सकता नहीं। मतलब में एटले दुविधा में है। आवा मंदीना माहौल में जे लोकोने खावाना फाफा पड़ी रहेला छे त्यारे मतलब के रीते ये करी सकाय? मतलब सर्वाव छताय अमे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज वाळाए मतलब 18-20% नो जे भाव वधारो करी दीधो छे, जे थशे ए जोवाई जईशुं। मतलब में पण सरकार ने आ बाबत में एक गंभीरताथी निर्णय लईने विचार करवो जोईए एवं अमारुं मानवुं छे। आ उपरांत अपनी साथ जे लोकल अहींया टेम्पो में ट्रांसपोर्टेशन करे छे ए केटलाक भाईओ जोड़ाया छे, एमनी साथे वात करीए। क्या फर्क पड़ा है डीजल के जो प्राइस बढ़ी है? जो डीजल का प्राइस तो बढ़ चुका है लेकिन व्यापारी लोग भाव नहीं बढ़ा रहे काम में, तो उसमें नुकसान हमारा ही हो रहा है। और वैसे भी काम चल नहीं रहा है और डीजल इतना महंगा हो गया है तो बचत कुछ हो नहीं रही है, खाने के फापे हो जा रहे हैं, बस यही। और सब आ उपरांत बीजा एक पाई है एमनी साथे पण वात करी, ये डीजल की जो प्राइस बढ़ रही है उसको लेके आपके धंधे पे कितना असर हुआ है? बहुत असर पड़ रहा है हमारे धंधे पे, डीजल में तो बहुत असर पड़ रहा है। और पगार भी निकल रही नहीं है और आदमियों को भी देना है पैसा तो किधर से दे हम लोग? चौक्स आ उपरांत अन्य एक युवान छे एमनी साथे बात करी, क्या फर्क पड़ा है डीजल के जिस तरह से भाव बढ़ रहे हैं? डीजल के भाव बढ़ रहे हैं इस तरह का फर्क पड़ रहा है, काम धंधा है नहीं तो आदमी पैसा लावे तो लावे और रोजगार बिल्कुल है नहीं। और गरीब आदमी तो ऐसा समझो कि बिल्कुल ही नहीं के बराबर पैसा कमा रहा है, उसका घर चलाने की भी तकलीफ हो गई है। अब डीजल का भाव कम होगा तो आदमी को रोजगार मिलेगा, 2 पैसा कमाएगा। डीजल ना भाव आम जुआ जाइए तो लोगों ने सामान्य बात लागे जे, परंतु ट्रांसपोर्ट उद्योग माटे डीजल ना भाव वधारो ए सौथी वधारे असरकारक होय छे। अने तेमा महत्वनी बात ए छे के ट्रांसपोर्टर ने वधारानो जे ट्रांसपोर्टेशन नो चार्ज छे ए वेपारीओ के लोको आपता नथी, बीजी तरफ ट्रांसपोर्टरे डीजल नो वधारानो भाव आपवो पड़तो होय छे। आ परिस्थिति जो आम ज रही तो आगामी दिवसों में चोक्कसपणे ट्रांसपोर्ट उद्योग ने एक मोटो फटको पड़वा जई रह्यो छे। કેમેરામેન રાજેશ લિંબાસિયા સાથે શૈલેષ ત્રિવેદી, વીટીવી ન્યૂઝ, સુરત।